हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक पैरासूट बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पन्नी की, एक कैंची की और धागे की। और ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है, ये पतंग में लगने वाला धागा है। तो आप इसे स्टेशनरी से खरीद सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी पन्नी को ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ एकदम सेम टू सेम फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग और फोल्ड करेंगे। अब ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। पहले कोनों को अच्छे से ऐसे मिला लेंगे, और ध्यान रहे कि ये जो कोना है ये एकदम शार्प रहना चाहिए। ये जो कोना है ये एकदम शार्प रहे, ये काफ़ी शार्प है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें और फोल्ड करेंगे। सबसे पहले देख लें, अब इसको काटना करेंगे। इसको अब हम ये फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसको कैंची से काटेंगे। मैंने यहाँ पे निशान बना लिया जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे काटना है। गाइस, अब ये कट गया है, अब हम इसको खोल लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे खोलेंगे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और ये देखिए, ये हमने इसको गोल गोल काट लिया है, मगर इसे डिजाइन भी बन गई है, डिजाइन से और अच्छा हो जाएगा। अब हम इसमें धागा लगाएंगे। तो धागा लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें छेद करना पड़ेगा। हमें टोटल 8 छेद करने हैं इसमें, और धागे को इस तरीके से हमें नापना है। देखिए, सबसे पहले तो गाइस, हम इसमें छेद करने के लिए सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। 1, 2, 3। तो गाइस, हमने इसमें इस तरीके से निशान बना लिए हैं, 8 निशान। और हमें इसमें 20 इंच के 8 धागे लगाने होंगे। हम इसमें छेद करने के लिए सिंपली यूज़ में लेंगे माचिस। जी हाँ, माचिस, इससे हम इसमें छेद कर लेंगे एक के बाद एक, ठीक है। इसमें छेद कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसमें माचिस जला करके यूज नहीं करना है गाइस, ठीक है। माचिस जला करके यूज़ नहीं करना है, वरना ये पन्नी पिघल के ख़राब हो सकती है। अब हम इसमें धागे लगाएंगे। तो गाइस, अब हम इसमें ऐसे धागे लगा लेंगे। मैंने 2 धागे पहले से ही लगा के रख लिए हैं, ये माचिस से हमने घुसाया। और फिर उसके बाद
ये गांठ दे बड़े ध्यान से हम लोग इसमें ऐसे लगा देंगे, ज़्यादा तेज नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैराशूट फंस जाता है। तो पैराशूट अगर फंस जाता है तो आपका छाता जो ऊपर का बनाए हैं इतनी मेहनत से वो वापस आ जाए, इसलिए हम थोड़ी सी हल्की गांठ लगाते हैं जिससे ये गांठ अगर ज़्यादा लोड पड़े तो खुल जाए। तो गाइस, ये मैंने आपको सिर्फ एक डेमोंस्ट्रेशन दिया है, हमारा असली पैराशूट ये है। तो गाइस, इस तरीके से हमने इसमें ऐसे ये वेट लगा दिया है। ये एक लोहे का वॉशर है, आप इसे चाहें तो हार्डवेयर की दुकान से कुछ ही मुश्किल से 5 रुपये में खरीद सकते हैं, और इसका वजन भी बहुत कम है। तो अब इसका टेस्ट लेते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं। ओके, ये लोहे का एक वॉशर है, ये देखिए, और ये पैराशूट ऐसे मुड़ जाता है जब इस पर वेट पड़ता है। अभी तो हम इसको उड़ा नहीं रहे हैं, तो चलिए अब एक बार उड़ा के देखते हैं, मगर बड़ा वाला पैराशूट। हाँ, ये हमारे पास सबसे बड़ा वाला पैराशूट है। देखते हैं। तो गाइस, मुझसे उतना ऊंचा तो नहीं गया, अब मैं एक एडल्ट की मदद लेने वाला हूँ जिससे हम और ऊपर फेंक सकें। तो गाइस, इसको आप फेंकते हैं। हाँ हाँ, चलिए 1 2 3। ये बात तो गाइस, आप चलिए इसको जहाँ थ्रो करेंगे उसको पूरा देखना। चलो, ये बात, ये आया सही है ना, ये बात। चलो, हाँ देखा, और एक बार दिखाओगे? चलिए एक बार और करते हैं। ये लैंड हो गया। चलो, तो गाइस आपने देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। टन टन टन, तब तक के लिए बाय 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 बाय।